प्रणाम, जय गुरुदेव। प्रभंचन, और सबको वहां जितने भी हैं सबको हमारा बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। यहाँ हम कनाडा से बोल रहे हैं, खूब यहाँ बर्फ पड़ा हुआ है। एक मिनट आपको दिखाते हैं बर्फ, उधर से दिखाते हैं। बर्फ देखा ना। शीतल, मन को शीतल रखना है और अपनी उत्साह को गर्म रखना है। मगज ठंडा रहे और शरीर मजबूत रहे, ये अपना सबका लक्ष्य होना चाहिए। सारे युवा अपना मन को ये रखो, सिर ठंडा, पेट नरम, पांव गरम, ये होना चाहिए। हाँ, उल्टा होता है, सिर गरम होता है, पांव ठंडा होता है, तो बीमारी का लक्षण है। और पेट खड़क हो जाता है। पेट नरम होनी चाहिए, सिर ठंडा होनी चाहिए और पांव गरम होना चाहिए। इस तरह से शरीर को स्वस्थ रखे और कर्मठ रहे। खाली नहीं बैठना है, सबको पूरी तरह से अपना देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपने आप को निचावर करना चाहिए, काम करना चाहिए। जब आप सबके काम आने लगोगे, फिर आपका सब काम होने लगेगा। ये याद रखना, जब हम दुनिया के काम आने लगेंगे और हमारा काम अपने आप होता चला जाएगा। इतना ही मन में रखें। युवाओं के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आज भारत में इतना, भारत ने बहुत प्रगति किया है, इतना अधिक प्रगति किया है, और आगे और बहुत हौसला लेके चलना चाहिए। युवाओं को बहुत दुनिया भर में काम कर सकते हैं। अभी इस साल G20 भी हो रही है बैंगलोर, अपना भारत में। भारत ने तो आज प्रेसिडेंसी संभाला है G20 का मतलब पूरी दुनिया आएगी भारत में। तो अब आप सब लोग तैयार रहो एक विश्व मानव बनने के लिए। विश्व मानव बनने के लिए सबको तैयार होना चाहिए। हाँ, सब युवाओं को साथ मिल करके काम करो और अपना जीवन का लक्ष्य ये समझना कि जनता का, जना जनता जनार्दन की सेवा में लगना चाहिए। हाँ, जब सेवा में लगोगे कि जीवन मेवा ही मेवा रहेगा। आप सबको हमारा बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। और जितने पद्मा अवार्डीज आए हुए हैं, सब गण्य व्यक्ति हैं। आप सबने अपने अपने जीवन में बहुत कुछ आपने पाया है। आप सबको हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नया साल आ रहा है, आप स्वस्थ रहें। आप सबको ईश्वर पूर्ण आयु दे और आपके जीवन में कोई कमी ना हो। आप भी अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखेगा रखिएगा। आप थोड़ी थोड़ी देर ध्यान किया करें। आपको भी सबको हमारा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, अंकुश दादा को देख रहे हैं हम, प्रभंजन, अंकुश दादा, आप सब मिलके सब पद्म महारथियों को आपने सबको एक साथ रखा है। बहुत अच्छी बात है ये। सबको बहुत आशीर्वाद। पद्म फेस्टिवल में अभी तक 7 पद्म पुरस्कार सम्मिलित हुए हैं और ये 8वां आपका उद्बोधन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्री रविशंकर जी, गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके व्यस्त समय से, कनाडा से समय निकालकर हमें और ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन को आशीर्वाद दिया है।
पद्म पुरस्कृत विजेताओं को आशीर्वाद दिया है, औरंगाबाद महाराष्ट्र की जनता को आपने आशीर्वाद दिया है, और आपके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलकर अमृत महोत्सव की वर्ष में ये संकल्प लेंगे कि शतक महोत्सव के वर्ष तक भारत यह विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग कुछ सवाल लेंगे और